नमस्कार मित्रों, एक नई वीडियो में आपको का स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ खिड़कियाँ, यहीं पे हेलीपैड बनेगा। पार्क बन रहा है, घाट बन रहा है, ये संजीव लगा इसमें लगा है। नमस्कार मित्रों, एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत करता हूँ। आज मैं आया हूँ खिड़किया घाट के पास। खिड़किया घाट पर जो भी निर्माण कार्य हो रहा है वही आपको दिखाने वाला हूँ। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। देखिए ऐसे ही लोकेशन पर आके वीडियो बन रही है, देख सकते हो मेरे सामने। इस समय गोलगड्डा पे, गोलगड्डा पे देख सकते हो यहाँ पे रोड चौड़ीकरण और यहाँ पे नए डिवाइडर काम चल रहा है। देखिए यहाँ पे नया डिवाइडर बना चुका है। यहाँ पे भी देखिए रंगाई पोताई होगी। यहाँ पे देखिए इधर भी देखिए काम चल रहा है। सामने देख सकते हैं ईंटें से डिवाइडर बनाया जा रहा है। काम बनास में काफ़ी तेज़ी से हो रहा है। निर्माण कार्य भी हो रहा है यहाँ पे। देखिए इसमें मैं कजाकपुरा के पास आया। कजाकपुरा के पास जो ओवरब्रिज बनाया जा रहा है वही दिखा रहा हूँ आपको। कजाकपुरा में अब तक सबसे बड़ा तकरीबन 1.25 किलोमीटर लंबा आरओबी बनने जा रहा है। इसके निर्माण से जीटी रोड पर लगने वाले जाम से निजात मिल जाएगी। इस परियोजना के लिए शासन से हरी झंडी दे दी है। इस आरओबी के निर्माण पर 100.65 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। और बता दें कि लागत मूल को भी शासन को मंजूरी हासिल हो गई है। आरओबी का निर्माण की जिम्मेदारी सेतु निगम को सौंपी गई है। सेतु निगम कार्य शुरू करने के लिए तैयारी में जुट भी गया है। यह आरओबी भदौं चुंगी से शुरू होकर पुराना पुल तक जाएगा, जो उत्तर रेलवे के अंडरपास के साथ ही पूर्वोत्तर रेलवे के कजाकपुरा को क्रॉस करेगा। यह पुल 2 लेन का होगा। बता दें कि सेतु निगम ने पहले 4 लेन आरओबी का प्रस्ताव तैयार किया था, लेकिन मौके पर 4 लेन पुल निर्माण संभव नहीं हो पा रहा था। ऐसे में इसे 2 लेन कर दिया गया है। सेतु निगम के अलावा रेलवे को भी आरओबी निर्माण की जिम्मेदारी उठानी है, जिसके लिए पत्र लिखा जा चुका है। और आम बजट के सामने रेल बजट के स्वीकृत होते ही आरओबी के प्रस्ताव को प्रिंट डायरी में दर्ज कर लिया गया जाएगा। इसके बाद रेलवे अपने हिस्से का कार्य शुरू कर देगा। देखिए इस समय आ गए हम कजाकपुरा के पास। कजाकपुरा देखिए कितनी रेलवे क्रॉसिंग के पास वहाँ पर फाटक बंद कर दिया गया है, इसलिए काफ़ी देखिए यहाँ पे जाम लगा हुआ है। ये जब ओवरब्रिज बन जाएगा तो काफ़ी लोगों को इजाफा मिलेगा। देखिए इस समय मैं आ गया हूँ राजघाट के खिड़किया घाट के पास। खिड़किया घाट पर देखिए बहुत काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है यहाँ पे। वाराणसी में सरकार अब नया और आधुनिक घाट बनाने जा रही है। वाराणसी के नक्शे में जुड़ रहा है यह नया टूरिस्ट डेस्टिनेशन। जल थल और नभ तीनों से जुड़ा होगा और पर्यटकों की गाड़ियाँ भी घाट तक पहुँच जाएंगी। 35.83 करोड़ की लागत से 11.5 एकड़ में विकसित हो रहे घाट पर हेलीकॉप्टर से भी उतरा जा सकेगा। यहाँ पे हेलीपैड भी बनाया जा रहा है। हेलीपैड का भी निर्माण कार्य चल रहा है, आगे वो भी दिखाऊंगा मैं आपको। खिड़किया घाट जब बन जाएगा तो 80 घाट और 10 घाट लोग भूल ही जाएंगे, लेकिन काफ़ी भव्य बनने वाला है ये। काफ़ी सुंदर लगेगा दिखने में ये। जुलाई 2021 तक बनकर तैयार होने वाला इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरिंग और डीपीआर बनाने वाली कंपनी प्लानर इंडिया ने बताया कि इस घाट पर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था रहेगी। इसके अलावा 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म भी यह बन रहा है, जिस पर 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। और सामने तथा खिड़किया घाट पर बोर्ड नया लगा, काफ़ी देखने चमक रहा है, पीला पेंट किया गया है। तो घाट तक एयरपोर्ट और स्टेशन से भी पहुंचना बेहद आसान होगा। पर्यटकों की गाड़ियां भी घाट तक पहुंच जाएंगी। देखने में पुराने घाटों जैसा मगर सुविधाएं आधुनिक। इस संबंध में नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर अनिल यादव ने बताया कि करीब 11.5 एकड़ में बन रहे इस घाट की लागत लगभग 35.83 करोड़ है, जो जुलाई 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट की डिजाइन, इंजीनियरिंग और डीपीआर बनाने वाली कंपनी प्लानर इंडिया ने बताया कि काबियन और रेटेशन वाल से घाट तैयार किया जा रहा है, यानी देखने में पुराने घाटों की तरह होगा और बाढ़ में घाट की सुरक्षित रहेगा। खास बात यह है कि निर्माण को इको फ्रेंडली है। घाट पर ही वाहनों की पार्किंग की व्यवस्था है, जो अन्य घाटों पर नहीं है। एक ही घाट पर मिलेगी सभी सुविधाएँ। वाराणसी मंडल के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 80 और 10 में घाट पर पर्यटक अधिक आते हैं, लेकिन सभी घाटों तक आसानी से गाड़ियां नहीं पहुंच पाती हैं।
इसलिए खिड़किया घाट का जीर्णोद्धार किया जा रहा है जो पूरी तरह आधुनिक सुविधाओं के साथ होगा। घाट पर सभी सुविधाएं एक साथ मिलेंगी जिसके लिए पहले आपको कई जगह भटकना पड़ता था। मसलन पर्यटकों यहाँ से काशी विश्वनाथ मंदिर का टिकट भी ले सकते हैं, वाटर स्पोर्ट का मज़ा ले सकेंगे, लाइब्रेरी में किताबें पढ़ सकेंगे, तो सेहतमंद रहने के लिए सुबह मॉर्निंग वॉक, व्यायाम और योग कर सकेंगे। देखिए यहाँ सामने सीएनजी स्टेशन बनाया गया, अभी एक ही बना है, अभी और आगे बनेगा। घाट पर उतर सकेंगे हेलीकॉप्टर। कमिश्नर ने बताया कि इस घाट पर जेटी भी होगी जहाँ से बोट द्वारा श्री काशी विश्वनाथ धाम तक नौका विहार के साथ घाटों का नज़ारा देखते हुए जाया जा सकेगा। इसके अलावा फूड प्लाजा, आरओ प्लांट, शिल्पियों के लिए भी यह जगह होगी जहां वे हैंडीक्राफ्ट के उत्पाद बेच सकेंगे। 1.6 एकड़ में एक बहुउद्देशीय प्लेटफॉर्म भी यह बन रहा है जिस पर 2 हेलीकॉप्टर उतर सकते हैं। यह हेली टूरिज्म समेत अन्य कामों में आ सकता है। साथ ही इस प्लेटफॉर्म को सांस्कृतिक कार्यक्रम के अलावा दूसरे उपयोग में भी लाए जा सकते हैं। आसपास के मंदिरों को भी सवारा जाएगा। भविष्य में खिड़किया घाट पर एक दूसरे पर्यटक स्थलों की टिकट व्यवस्था, कॉम्बो टिकट और रेलवे टिकटिंग की व्यवस्था भी होंगी। गंगा को प्रदूषण मुक्त करने के लिए सीएनजी से चलने वाली नावों के लिए सीएनजी स्टेशन भी खिड़किया घाट बन रहा है। खिड़किया घाट पर ही म्यूरल के माध्यम से गोवर्धन पूजा को भी उकेरा जाएगा और आसपास के मंदिरों को भी उनके स्वरूप में ठीक किया जाएगा। पास में ही ऐतिहासिक महत्व के धरोहरों को भी खिड़किया घाट से जोड़ा जाएगा और पंचकोसी मार्ग भी सुगम हो जाएगा। तो सामने तरफ मछली मार रहे हैं लोग, बैठ गए पानी में, नहीं कैसे मार रहे हैं देख सकते होंगे। देखिए यहाँ पे ये सीएनजी जो गैस की पाइप यहाँ से जाएगी उसी के लिए यहाँ बनाया गया है, देख सकते होंगे सामने मेरे। काफ़ी देखने में सुंदर लग रहा है ये जब बन जाएगा तो। सामने राजघाट पुल है दोस्तों, बता देंगे यहीं पे हेलीपैड बनेगा। देखिए यहाँ हेलीपैड के लिए यहाँ पे जगह छोड़ा दिया गया है। यहाँ पे अभी देखिए यहाँ पे प्लेन किया जाएगा, तो उसके बाद अभी और काम बाकी है यहाँ पे। ये सामने जो सकते हैं यहाँ पे जो वर्कर काम करें उनके लिए बनाया गया, टीन सेट बनाया गया रहने के लिए। राजघाट और भैंसासुर घाट का भी जोड़दार किया जा रहा है जो खिड़किया घाट से जुड़ जाएगा। अब काशी के लगभग सभी 84 घाट पक्के घाट के रूप में जुड़ जाएंगे। देखिए ऊपर यहाँ पे जो ढलैया करके रोड को मिला दिया जाएगा, यहाँ पे वही काम चल रहा था यहाँ पे। और सामने देखिए भी काम ने भी जेसीबी से काम चल रहा है आगे। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करेगा, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा और साथ में बगल में बेल आइकन उसको भी प्रेस करें जिससे भी कोई वीडियो डालूँ नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मेरी मिले। जय हिंद, वंदे मातरम।